हाय अगेन। अब आप अगर मेरे साथ हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए दैट वी आर विथ यू। लास्ट तक अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको ये वो जो विजुलाइजेशन की सीक्रेट टेक्निक और एक दूसरी टेक्निक मैं जो बताने जाऊंगी, आप उसको अपने लाइफ में इस्तेमाल कर सकेंगे। ठीक है ना, अब हम शुरू करते हैं। इसके लिए नंबर वन स्टेप, आपको एक इमेजिन गोल इमेजिन सोचना है, आपका गोल क्या है। ठीक है, स्टेप नंबर गोल कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने बताया, हो सकता है मैरिज करनी हो सकता है रिश्ते सुधारने हो सकता है कहीं बाहर घूमने जाना हो, कोई भी गोल जो आपने सोचा हो। नंबर टू, दैट आपको अपनी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी करनी है, और मेरे साथ अब जो मैं गाइडेड मेडिटेशन शुरू करने वाली हूँ वो आपको करनी है। ऐसी ही और भी गाइडेड मेडिटेशन अलग अलग सॉल्यूशंस के लिए देते हुए मैंने पोस्ट की हैं, वो भी आप देख सकते हैं। सो नाउ उसके लिए अब हम शुरू करेंगे। आप दो मिनट में अरेंज कर लीजिए, आप एक अच्छी जगह पर बैठ जाइए, सोफे पर या कुर्सी पर या कोई भी एक ऐसा पीसफुल प्लेस पर, और तीन बार सांस अंदर लेंगे और तीन बार सांस बाहर। ये आपने अंदर लेते समय ही बाहर उसको फेंक दिया था। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ये ऐसा इमेजिन करेंगे कि जब आपने सांस अंदर ली तो आपने है टो से लेकर, है ना, जब आप सांस अंदर ले रहे हैं, फिर ध्यान से सुनिएगा, जब आप सांस अंदर ले रहे हैं तो टो से आपके जो पैर के रंग उंगलियां हैं वहां से लेते हुए पैर पर, स्टोमक पर, हार्ट पर, यहाँ आते आते आपके सिर से, दिमाग से, सारी आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, मुसीबतें हैं, चिंताएं हैं, वो सब निकल चुकी हैं, ऐसा आपको इमेजिन करना है। फिर धीरे 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 जब आप सांस ले रहे हैं, आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना कि क्या थॉट आपके अंदर आ रहा है, क्या जा रहा है, कौन बाहर बोल रहा है, कौन बात कर रहा है। आप सिर्फ अपने सांसों की रिदम पर ध्यान देंगे और इमेजिन करेंगे कि आपकी बॉडी धीरे धीरे हल्की होती जा रही है और आप बहुत रिलैक्स हो गए हैं। इसके बाद अब हम उल्टा करेंगे कि हम अपने सिर से प्रॉब्लम को लेकर, हार्ट और यहाँ सारा नीचे करते करते टो से हम अपनी प्रॉब्लम्स बाहर फेंक देंगे। ये करने के बाद आप उसी अवस्था में बैठे रहेंगे, ब्रीद इन ब्रीद आउट, मैंने ब्रीद इन करेंगे तो टो से हेड पर समस्याओं को आप निकाल फेंकेंगे, और जब आप ब्रीद आउट करेंगे तो इमेजिन करेंगे कि आपके सिर से लेकर टो से सारी समस्याएं गायब हो गई हैं और शरीर बिल्कुल ढीला हो गया है, मसल्स बिल्कुल रिलैक्स हो गई हैं। ठीक है, अब जब ये हो गया है, आईज आप बंद रखिए, और आईज बंद रखते रखते अपने सांसों का मधुर संगीत सुनिए, और अब आप जो आपने अपने लिए गोल बनाया था, है ना, जो भी गोल आपने बनाया था अपने लिए, उस गोल को सुंदर सा रूप देते हुए सुंदर इमेजिनेशन में लाइए। जैसे आपको कोई टीचिंग जॉब चाहिए, या आपको एक विला चाहिए, या आपको, जैसे मैंने एग्जांपल्स बताए, जो भी आपका हो उसमें आप एग्जांपल अच्छे दीजिए। मान लीजिए आप एक घर खरीदना चाहते हैं, तो आप ये सोचिए कि आप उस घर में खड़े हैं, वो बहुत सुंदर रंग की दीवारें लगी हुई हैं, बहुत सुंदर शीशे लगे हुए हैं खिड़कियों पर, और बहुत सुंदर टेरेस है जिस पर सुंदर सुंदर गमले लगे हुए हैं, उसमें फूल प्यारे प्यारे से आए हुए हैं, आपके बच्चे वहाँ खेल रहे हैं, आप बहुत खुश हैं, उनको शूट कर रहे हैं, या वेकेशन है ना। तो जो भी आपने गोल आपने सोचा, या मान लीजिए आप कोई जॉब अच्छा ढूंढना चाहते हैं, इससे खुश नहीं हैं, तो आप इमेजिन कीजिए कि आपके आसपास वाले आपको कितना मींस आपके बॉस आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, सब लोग आपके काम को बहुत पसंद करते हैं, आपको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जिम्मेदारी देने के साथ साथ आपको अच्छी सैलरी भी दी गई है। ये सब आप जितनी डिटेल्स सोच सकें, जैसे बच्चों जैसी नहीं होती कि हाँ बड़ी खुश खुश हो जाते हैं बहुत प्यारे प्यारे से, ऐसे ही आपको इमेजिन करना है कि बच्चों जैसी प्यारी इसी संसार देखना अपने लिए, भले ही कैसा हो आपको इमेजिन करना है। इमेजिन आप करते रहिए, इसी
पोजीशन में आप एक मिनट, दो मिनट, पाँच मिनट रहिए, उसके बाद आप जो है आप धीरे 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 अपनी आँखें खोलेंगे। आँखें खोलने के साथ ही साथ आपको, हाँ बाय द वे, इफ़ यू हैव लाइक दिस मेडिटेशन, व्हाट आर यू फीलिंग, जस्ट टेल मी, हाउ डिड यू फील ड्यूरिंग मेडिटेशन, कैसा लगा आपको मेडिटेशन करने में, आप रिलैक्स हुए, नीचे कमेंट में मुझे लिख के बताएंगे। अब जब आपने ये मेडिटेशन कर लिया, आप अफर्मेशन इसके साथ बोलेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। आप अफर्म कर रहे हैं, यू आर रिपीटिंग द स्टेटमेंट, यू आर कन्फर्मिंग द स्टेटमेंट, एंड यू आर कन्फर्मिंग दैट वट एवर यू हैव आस्क्ड फॉर इज गोइंग टू बी गोइंग टू हैपन। सो यू से दैट if you have asked for house, I'm loving my house. It's so beautiful. I enjoy being here. Thank you, God, that you have gifted me such a beautiful house. Or you say, thank God, I'm very happy at my new job. Everyone appreciates me like anything, and I'm paid whatever I asked for. Okay, I'm so happy, God. This or better is happening to me. And with the blessings of universe, thank you God. ऐसा कहकर आप उस समय सुबह की ये जो है मेडिटेशन फिनिश करेंगे। You have to repeat this meditation and this affirmation before you go to bed. I have seen with my clients, this takes, kabhi kabhi it takes 3 months, sometimes it takes it has taken an year. It depends on your, how good is your karma, how devoted and dedicated are you for your cause. If you're dedicated, I promise you that you're going to get whatever you wish in your life. And I wish you best luck in your persuasion of your happiness. I hope that you must have subscribed my channel and hope that you have liked and given me a thumbs up. Thank you so much.